दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस पे। हम इस चैनल पर आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे प्रोत्साहन के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके स्वास्थ्य से कोई भी जुड़ी जानकारी को आप मिस ना करें। चलिए बात शुरू करते हैं कोरोना वायरस पर। कोरोना वायरस अभी हाल ही में WHO, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। पहले जानते हैं कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस एक वायरस की फैमिली है, जो कि आम सर्दी से लेकर गंभीर सांस की बीमारियों का कारण बनता है। अभी कुछ समय पहले हुए मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट में MERS भी कहा जाता है, एंड SARS के लिए भी कोरोना वायरस ही जिम्मेदार था। कोरोना वायरस एक जूनोटिक है, जो कि जानवरों से मनुष्य में होता है। उदाहरण के लिए MERS ऊंटों से मनुष्य में आया था, एवं SARS चमगादड़ों वे बिल्लियों से मनुष्य में आया था। 7 मार्च 2020 तक करीबन 1,600 केस कोरोना वायरस के रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से करीबन 3600 मौतें इस बीमारी से जुड़ी हुई हैं। WHO ने इसे नाम दिया है COVID-19, जिसका फुल फॉर्म है करंट नोवल कोरोना वायरस 19। अब आते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षणों पर। इस बीमारी के संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं, जैसे खांसना, बुखार आना, सांस में तकलीफ होना। WHO के अनुसार, अगर आप इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हो, या आपने इस बीमारी से संक्रमित क्षेत्र का दौरा किया हो, आपको तुरंत डॉक्टर से या निकटतम स्वास्थ्य सेवाओं से तुरंत संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कैसे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है। हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि कोरोना वायरस का अभी तक ना ही कोई टीका बना है, ना ही इसका कोई इलाज है। इसलिए सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसे CDC भी कहा जाता है, ने कुछ स्टेप्स बताए हैं ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है कि अगर आप छींक रहे हो, खांसते हो, और अगर आपकी नाक बहती हो, तो आपको तुरंत साबुन से या एक अच्छे डिसइंफेक्टेंट या सैनिटाइजर से अपने हाथ तुरंत धोने चाहिए। अन्य सावधानियों में आपको अपनी छींक या खांसी को रुमाल से कवर करके रखना चाहिए, बीमार व्यक्ति के संपर्क से बचना चाहिए, या फिर उससे कम से कम 3 फुट की दूरी बनाए रखनी चाहिए, और आपके स्वयं बीमार होने पर आपको घर पर ही रुकना चाहिए। अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े हुए कुछ भ्रम, भ्रांतियां या मिथकों से, ताकि समाज में हम किसी भी गलतफहमी या अफवाह को फैलने से रोक सकें। सबसे पहला भ्रम है कि यह एक मानव निर्मित बीमारी है। वैज्ञानिकों एवं डॉक्टर ने इस तथ्य को सिरे से खारिज कर दिया है। सटीक कारण और जानने के लिए आज भी प्रयोग व रिसर्चेस जारी हैं। अन्य मिथक है कि योग कोरोना वायरस को मार सकता है। भारत में इस तरह के दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं कि योग कोरोना वायरस को मार सकता है या उसे खत्म कर सकता है, पर यह किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर अभी तक साबित नहीं हुआ है। इसलिए बचाव ही इस बीमारी का सबसे प्रभावी इलाज है। एक और मिथक है कि गाय का गोबर या गाय का मूत्र कोरोना वायरस का इलाज कर सकता है, परंतु सत्य यही है कि कोरोना वायरस का अभी तक ना ही कोई टीका बना है, ना ही कोई इलाज है। इसलिए आवश्यक सावधानी बरत कर ही आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। अन्य भ्रम है कि गर्म पानी से कोरोना वायरस मर सकता है। यह भी तथ्यों से बहुत दूर है। इसके उलट एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान, जो कि 36.5 से 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, इस वायरस को पनपने के लिए आदर्श स्थिति उपलब्ध कराता है। सोशल मीडिया पर
यह भी काफी चर्चित है कि चीन में निर्मित वस्तुओं से जो कि संक्रमण के दौरान बनाई गई है और भारत में आयात की गई है, कोरोना वायरस फैल सकता है, पर यह सत्य से बहुत दूर है। हम आपको बताना चाहते हैं कि कोरोना वायरस को पनपने के लिए मानव शरीर जरूरी है और इस तरह की आयातित वस्तुओं को रखने की विभिन्न कंडीशंस में यह वायरस जीवित नहीं रह सकता। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या हमारा देश भारत इस संक्रमण से सुरक्षित है? वैसे तो कोई भी देश इस संक्रमण से सुरक्षित नहीं है, पर फिर भी भारत में संक्रमण के केसेस काफी कम हुए हैं। डॉक्टर इसके लिए भारत में गर्म व उमस भरे मौसम को जिम्मेदार बताते हैं, इसलिए यह वायरस जिन देशों में तापमान कम रहता है जैसे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में तेजी से फैल रहा है, पर फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत इसलिए है कि भारत में घनी आबादी होने के कारण इसका संक्रमण तेजी से फैल सकता है अगर हम सावधानी नहीं बरते। इसलिए आपसे, अगर आपको किसी भी प्रकार के लक्षण इस बीमारी के दिखते हैं, आपको तुरंत डॉक्टर या निकटतम स्वास्थ्य सेवाओं से संपर्क करना चाहिए। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप अन्य और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों को मिस ना करें। धन्यवाद।